गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, आपका जो सेवन चैप्टर था वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। उसकी एक वीडियो हमने डाल दी थी, आज हम उसकी सेकंड वीडियो देख रहे हैं। तो हम पेज नंबर 54 पे हैं। आज हम देखेंगे स्टेप। वी वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर, रेड इंक, ए हर्ब एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। हम क्या लेंगे, गिलास लेंगे, गिलास के अंदर पानी लेंगे और रेड इंक जो लाल शाही होती है वो लेंगे और एक हर्ब, क्या जो हमने ट्री के टाइप पढ़े थे, हर्ब शर्ब एंड ट्री, ठीक है। हमने देखे थे ना हमारे पेड़ कितने प्रकार के होते हैं और एक हर्ब लेंगे, ठीक है। एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और इसकी एक्टिविटी के लिए हम क्या लेंगे, एक ब्लेड, ठीक है। प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ ए ग्लास, हम क्या करेंगे, जो हमारा गिलास उसका 1/3 हम उसको किससे भर लेंगे, पानी से, ठीक है। एंड एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर, और क्या करेंगे, जो लाल इंक है हमारी, लाल शाही है, उसकी जो ड्रॉप है उसको किसके अंदर डालेंगे, हम गिलास के अंदर, ठीक है। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब, और जो हमारा जो हर्ब है, जो हमारे हर्ब्स होते हैं उसको, ये देखो जैसे स्टेम दिख रहा है ना, तना, तने से काटेंगे और उस गिलास के अंदर क्या कर देंगे, इसको रख देंगे, ठीक है। एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.5, जैसे हमारे फिगर में दिखाया गया है, उस स्टेम के काट के हम गिलास के अंदर रख देंगे, ठीक है। हमने क्या लिया, एक गिलास लिया, ठीक है, गिलास को 1/3 मतलब कि एक पार्ट छोड़ा और उसको पानी से भर दिया, ठीक है। उसके अंदर हमने रेड इंक डाल दी, रेड इंक डालने के बाद हमने क्या किया, स्टेम से काट कर उसमें रख दिया, ठीक है। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, और इसको नेक्स्ट डे क्या करेंगे, हम देखेंगे। डू एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हर्ब अपीयर टू हैव रेड कलर, तो क्या जो हमारा गिलास था उसका किसी पार्ट के पास हमें रेड कलर दिखता है, अगर हाँ तो हाउ डज यू थिंक द कलर रिच देयर, अगर यहाँ हमें लाल कलर दिखता है तो ये लाल कलर यहाँ तक कैसे पहुँचा है। हमारा क्वेश्चन क्या पुट होता है कि अगर ये कलर रेड दिख रहा है स्टेम्स के अंदर, तो ये रेड कलर वहाँ तक कैसे पहुँचा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट, हम क्या देखेंगे कि जो वाटर है मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट्स वाटर, जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। तो हमने क्या देखा, जो पानी होता है, जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, और जो मतलब पानी के जो पार्टिकल हैं उनमें काफ़ी स्पेस होता है, जिसके कारण जो इंक डाली है, जो इंक के पार्टिकल हैं वो भी मूव करेंगे, और जो पानी के अंदर स्पेस था उसके अंदर आके कहीं ना कहीं डिजॉल्व हो जाएंगे, और जब वो मूव करते करते वो स्टेम तक भी पहुँचेंगे और अपना कलर है जो रेड इंक अपना कलर वो किसको दे देगी, वाटर को, ठीक है। और हमारा जो स्टेम है जो वो कंडक्ट करता है वाटर को, ठीक है, वाटर को वो कंडक्ट करता है मतलब कि प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। ये दिखा रखा है कि जो वाटर है वो मूव्स अप द स्टेम एंड लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम, ठीक है, इसको बड़ा करके दिखा रखा है, जो स्टेम उसके ओपन एंड को एनलार्ज करके दिखा रखा है, ठीक है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टेम। हम ये कह रहे हैं कि जो स्टेम के अंदर है, जैसे वाटर है, मिनरल्स है, वो एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रहे हैं, तो किसके थ्रू जाते हैं, वो ट्यूब्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। पहली डिड दिस एक्टिविटी विद हर्ब हैविंग वाइट फ्लावर्स, पहली ने इस एक्टिविटी को किसके साथ किया, वाइट फ्लावर्स के साथ, ठीक है। सी पुट, उसने रखा, सी पुट वन ब्रांच को विद द वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ए ग्लास से एंड एडिड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर, उसने क्या किया, गिलास के अंदर वाइट फ्लावर रखा और उसके अंदर उसको इंक में रख दिया, ए एंड एडिड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द, उसने रेड इंक की जो बूंदे थी किसके अंदर डाल दी, इसके अंदर, ठीक है, गिलास के अंदर। सी डिड ए फनी थिंग विद अनदर ब्रांच, उसने क्या किया, फनी चीज़ की दूसरी ब्रांच के साथ, सी स्प्लिट इट हाफ वे अलोंग विद इट्स लेंथ एंड पुट द टू एंड्स इन द वाटर इन ग्लास बी एंड सी, ठीक है। सी पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी एंड ब्लू इंक इन ग्लास सी, उसने जो इसका स्टेम था उसके आधे पार्ट को
इसमें रख दो राधे पाठ को, इसमें रख दे, इसमें रेड इंक, फिर इसमें ब्लू इंक था, ठीक है। सी वांट्स यू टू गैस व्हाट वुड हैपन टू द फ्लावर इन ग्लास ए एंड द फ्लावर कुड ज्वाइंटली इन बी एंड बी, तो क्या हैपन होगा अगर फ्लावर को ग्लास ए में रखें या उस फ्लावर को ज्वाइंट करके बी और सी में रखें, ठीक है। व्हेन यू हैड कट अक्रॉस द स्टेम इन एक्टिविटी टू डिड यू नोटिस ए नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑफ रेड कलर अरेंज्ड इन रिंग इनसाइड द स्टेम, ठीक है। डज दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट दैट पहले ऑब्टेन, ट्राई दिस एक्टिविटी यूर सेल्फ, तो क्या होगा इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट है, ठीक है। जो पूरी तरह रेड है उसका रेड में हो जाएगा और जो रेड और ब्लू है उसका दोनों का कलर किसके अंदर आ जाएगा, फ्लावर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीफ। लीफ क्या होता है हमारा, सभी बच्चों को पता है लीफ क्या होता है, लीफ होता है हमारा पत्ता, ठीक है, पेड़ के पत्ते बोलते हैं जिसको। लुक एट लीव्स ऑफ प्लांट अराउंड यू एंड ड्रा देम इन योर नोटबुक, अपने चारों तरफ के पत्तों को देखो और क्या करो उसको अपनी नोटबुक में ड्रा करो, ठीक है। आर ऑल द लीव्स आर द सेम इन साइज शेप एंड कलर, के सारी जो पत्तियां होती हैं वो साइज में शेप में कलर में सेम होते हैं। हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम, वे स्टेम तक कैसे पहुँच दिया था, पार्ट ऑफ ए लीव बाई विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज पेटियोल, जैसे आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई पेड़ है यहाँ से ऐसे हम जो पत्ती बनाते हैं, ठीक है, ऐसे पत्ती बनाते हैं जो उसका जो पार्ट है जो स्टेम से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल, क्या बोलते हैं, पेटियोल, ठीक है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना, जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है उसका जैसे दिखा भी रखा है किसका, लीफ का, उसको क्या बोलते हैं, लैमिना, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, क्या तुम्हें इन पार्ट्स को तुम्हारे चारों ओर आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो कर सकते हो, ठीक है। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल, क्या सभी लीव्स के पास पेटियोल होती है, पेटियोल, हाँ भाई लीव्स तो क्योंकि स्टेम से ही निकलेंगे, स्टेम से निकलेंगे तो उनके पास पेटियोल होगी, ठीक है। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन, इफ यू thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. अब हमने जैसे एक एक्टिविटी लेंगे हम, put a leaf under a white sheet of paper, हमने एक पत्ते को एक white sheet के ऊपर रख दिया, रख दिया, आर ए शीट इन योर नोटबुक, या हमने अपनी नोटबुक के एक पेज पे रख दिया, ठीक है। हमने फिर क्या किया, hold it in place as shown in figure 7.9, हमने इसको क्या किया, होल्ड इट इन प्लेस, हमने इसको ऐसे प्लेस पे रखा जैसे इसको इसमें दिखा रखा है, ठीक है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइड वेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेंसिल की ये ले ली, ठीक है, टिप बोलते हैं जिसको, पेनी वाला जो इसका सिरा होता है, और हमने क्या करना शुरू कर दिया, जो हमारे पत्ते के पास थी जैसे हमारा ग्रीन लीफ था उसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया, ठीक है। Did you get an impression with same lines in it? Are they similar to those on leaf? These lines of the leaves are called veins. Do you see a thick vein in the? तो जैसे तुमने क्या देखा, जैसे हमने ग्रीन कलर का लीव्स लिया था और उसको ऐसे ड्रॉ कर दिया पेंसिल की टिप के साथ, ठीक है, एक पेज के ऊपर, तो हमें देखेंगे कि जो पेज था हमारा उसके ऊपर छप जाता है अभी ऐसे ऐसे, जैसे हमने ऐसे एक नाखून का निशान भी मार दिया तो शो होगा हमें, ठीक है। तो जो वो वीन्स, जो पतली पतली वीन्स शो होंगी लीव्स की, उनको मतलब जो पतली पतली ये लाइनें होंगी शो, उनको क्या बोलेंगे हम, वीन्स, क्या बोलेंगे उनको, वीन्स, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा है, ये हमारा ग्रीन लीफ है, इसकी जो बीच में मोटी लाइन है इसको बोलते हैं मिड रिब, क्या बोलते हैं, मिड रिब। और जो इसे पतली 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 ऐसे ऐसे करके जैसे हम डिजाइन बनाते हैं ना फ्लावर का, ऐसे जैसे हमने ये लीफ बना दिया, ये जो लाइन इसकी मिड रिब है, ठीक है। और जो इसे पतली पतली लाइनें ऐसे निकल रही है ना ऐसे, इनको बोलते हैं विंस, क्या बोलते हैं, विंस, ठीक है। लीफ वेनेशन रेटिकुलेट एंड पैरलर, ठीक है, ये लीफ का वो दिखा रखा है कि ये रेक्टेंगुलर की शेप में है और ये पैरलर की शेप में है, ठीक है। मिडल ऑफ द लीफ दिस विन इज कॉल्ड द मिड रिब, ठीक है, जो ये मिड में इसको बोलते हैं मिड रिब। द डिजाइन मेड बाय विंस इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन, जो डिजाइन किसके द्वारा बनाया जाता है, विंस के द्वारा बनाया जाता है एक लीफ में, उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन, ठीक है। इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट, ठीक है।
अगर यही डिजाइन हमारा नेट की तरह है, नेट लाइक है, ठीक है, दोनों साइड्स पर मिडरीब की, तो इस वेनेशन को क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। इन द लीव्स ऑफ द ग्रास यू मे हैव सीन दैट रिंग्स आर पैरेलल टू अनदर। जो हमने ग्रास देखे हैं, घास देखते हैं, वो ऐसे लंबे लंबे होते हैं ना, ठीक है। तो ये कौन सी वेनेशन है, ये है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। ऑब्जर्व द वेनेशन इज एन मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट्स। ड्रा द पैटर्न एंड राइट नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो तुम्हें ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं जिनमें रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन होती है। सेल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ ए लीव। अब आगे क्या है कि लीफ के फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लीफ। लीफ में हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो लीफ का जो पार्ट है, जो स्टेम से कनेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्टेम, ठीक है, पेटियोल, क्या बोलते हैं हम उसको, पेटियोल, ठीक है। जो इसके बीच में जो ये मोटी लीफ के जो बीच में जो मोटी सी लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं मिडरीब, क्या बोलते हैं, मिडरीब। और इस मिडरीब से जो पतली पतली जो लाइनें निकलती हैं, उनको बोलते हैं विंस, ठीक है। जो हमारा विंस के कारण डिजाइन बनता है, उसको बोलते हैं हम लीफ वेनेशन। जो लीफ वेनेशन होती है वो टू टाइप की होती है, एक तो रेटिकुलेट होती है और एक पैरेलल होती है, ठीक है। रेटिकुलेट में ये रेक्टेंगुलर की शेप में होती है, ठीक है, और पैरेलल में पैरेलल सीधी शेप में होती है, ठीक है। और क्या आता हमारा इसमें, लेमिना, लेमिना क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट है था हमारा लीफ का, जो हमारा लीफ का ग्रीन पार्ट था, उसको क्या बोलते थे हम, लेमिना, ठीक है। तो आज हमने इतना ही देखा, और हमने देखा अगर हम हमारे जो हर्ब होते हैं उनको स्टेम से काट कर ग्लास में रख दे, ग्लास के अंदर इंक डाल दे, तो वो कलर है जो इंक के अंदर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, और इंक जब डालते हैं तो इंक के जो पार्टिकल हैं वो पानी के पार्टिकल्स के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, अपना कलर उनमें ऐड कर देते हैं, और वो मूव करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, स्टेम तक, ठीक है, और स्टेम से आगे लीफ तक। तो इसलिए क्या है, जो इंक का कलर है हमारा, वो स्टेम में भी चला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।